हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी अशोका मार्ग नासिक साइट पर, जहां पर 2 साल पुरानी किचन को आज हम टूर कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ अभी हम जिस किचन में हैं, तो सबसे पहले मैं क्लाइंट का एक्सपीरियंस कहना चाहूंगी कि पहले कारपेंट्री वर्क हुआ था, जहां पे यहां पे एक्रेलिक की फिनिश दी गई थी, जिससे क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें काफी ज्यादा हाथों को रैशेस एंड ऑल बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। देन उसके बाद उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, जिस बेसिस पे हमने फ्रंट के सारे शटर चेंज करते हुए डायरेक्टली लैमिनेट में से कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले जो शटर की फिनिश थी वो पूरी एक्रेलिक थी। अभी राइट नाउ यहाँ पे 1 mm का मरीनो और लैमिनेट लगाया गया है, जिसका आप कलर कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं वो कैपेचिनो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ है। पूरी चीज़ें मैं पूरा यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे हमने जब 2 साल पुराने लिया था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा कस्टमाइज कर दिया था। जैसे आपको पता है हम कैबिनेट की डीप 12 इंच लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री के हिसाब से हमने इसकी डीप लगभग 14 से 15 इंच के करीब दी है। फ्रंट में हमारी चिमनी आ चुकी थी, चिमनी का ऊपर से आउटलेट दिया गया है, तो हम लेफ्ट साइड से इसे पूरा एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड देन राइट साइड से आउटलेट डायरेक्टली बाहर की तरफ चला गया है। अंदर के जो कंपार्टमेंट देखोगे, पूरा हम लोगों ने हिडन स्टोरेज की तरह किया गया था, कि जैसे अभी जैसे लेटेस्ट में ऑप्शन है कि हम ग्लास शटर के साथ जा सकते हैं, प्लेन के साथ जा सकते हैं, रोज गोल्ड जा सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैरायटी आ चुकी है। बट राइट नाउ जो हमारा पर्पज था कि हम बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे हाइड करना चाहते थे, हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, उस अकॉर्डिंग हम पूरे प्लेन शटर के साथ गए थे। देन अंदर जो स्टोरेज का मेन पर्पज था, तो अंदर ऑलरेडी कारपेंटर की वजह से यहाँ पे बॉक्स पूरा मेकिंग किया गया था, तो यहाँ पे अंदर के शेल्फ भी पूरे वुडन में है। तो ऑब्वियसली जब आपका स्टोरेज का पर्पस है, तो यहाँ पे हम अंदर वुडन की शेल्फ डालते हुए फ्रंट से पूरे शटर पैक कर देंगे। ऊपर साइड भी सेम था। क्लाइंट की नीड ये थी कि उन्हें हैंडल कहीं पर भी नहीं चाहिए, तो अगर आप देख रहे हैं जब ऊपर का शटर मुझे एक्सेस करना रहेगा, तब उस बेसिस पे सबसे पहले नीचे वाला शटर ओपन होगा, देन हम नीचे से ऊपर वाला शटर ओपन करेंगे। तो अगर आपको हैंडललेस करना है और सेम इस तरह का आप कंपार्टमेंट टच टू टच ज्वाइंट रखना चाहते हो, तो आप इस तरह से एक्सेस इजीली कर सकते हो, इफ अगर आप कंफर्टेबल हो तो। सेकंड पॉइंट ये है कि चिमनी है, तो चिमनी का कर्व में पैनल हम ले सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से कर्व पैनल हो जाता है, कटिंग हो जाती है और लुक वाइज काफ़ी अच्छा भी गेटअप आता है। बट अगर आपकी नीड है कि हम पूरा स्ट्रेट पैनल के साथ जाएंगे, जो कि एक्सेस करने के लिए इजीली आपको ऑप्शन रहेगा, आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं। जिस हिसाब से चिमनी का शेप रहेगा, उस हिसाब से पैनलिंग कटआउट करके हम उस अकॉर्डिंग शेप ले सकते हैं। नीचे का पूरा एरिया आप देख रहे हैं, नीचे हमारा पूरा स्टोरेज वाला एरिया है, तो जितने भी हमारे बास्केट्स एंड ऑल सारी नीचे कवर हो जाती है। एल वाला एरिया है, क्योंकि ऑब्वियसली एल कॉर्नर हम ब्लैक मतलब पूरा ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हमारा मोस्टली एलपीजी चला जाएगा, या स्टोरेज जो भी हमारी एक्स्ट्रा टाकी या आटे का डिब्बा, राइस का डिब्बा, वो सारे पर्पज़ हमारे एल में सॉल्व हो जाते हैं। देन सिंक वाला एरिया हो जाता है, सिंक में हम मोस्टली एक सिंगल शटर दे देते हैं और इस तरह का डस्टबिन रैक लगा देंगे हम, तो उस रैक के अंदर हम अपना डस्टबिन इजीली स्टोर कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे इसकी सॉफ्ट क्लोज हिंजेस दोनों साइड पे हम ऑप्शन मिले थे, तो दोनों साइड पे हमने पुल आउट दे दिया, तो एक पुल आउट में हम सारा डिटर्जेंट वगैरह मटेरियल स्टोर करेगा, उस हिसाब से एक्सेस करेंगे। देन सेकेंड वाला जो पुल आउट है, वो आप लाइक ऑयल का डिब्बा, मसाले का डिब्बा, जो भी आपको उस अकॉर्डिंग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उसे स्टोर करना है, उस अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन ये वाला जो स्पेस था, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा एल कॉर्नर था, तो एल कॉर्नर को जस्ट एक शटर दे दिया है। एलपीजी सारे बैक साइड पे जाएंगे, फ्रंट वाली स्पेस पे लाइक हमारा कांदे बटाटे जो भी है, उसका जो भी बास्केट रहेगी, उस अकॉर्डिंग हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। या फिर व्हील ट्रॉली, जैसे मैं आपको डिज़ाइन में दिखा रही हूँ, व्हील ट्रॉली का भी एक बेस्ट ऑप्शन है, व्हील ट्रॉली ले सकते हैं, ताकि जब भी एलपीजी को हमें एक्सेस करना रहेगा, तो हम इजीली व्हील ट्रॉली व्हील करेंगे एंड देन एलपीजी इजीली निकाल पाएंगे। ऐसे ना हो जाए कि हमें सारा मटेरियल बाहर निकालो, देन फिर हम एलपीजी बाहर लो, तो वो चीज़ है आपको फेस ना करने पड़े उस बेसिस पे। सेकेंड वाला अगर एक और स्पेस मिल रही है, तो हम जस्ट एक लॉन्ग शटर दे देंगे और वहाँ पे आप बड़ी चीज़ें स्टोर करोगे। बट अगर आपके छोटे छोटे डिब्बे हैं, तो हम उस बेसिस पे क्या करेंगे, जस्ट वहाँ पे एक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर देंगे और वो मल्टीपर्पज़ अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे का स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड हमारा कटलरी वाला बास्केट और नीचे 2 प्लेन, ये कंटिन्यू थीम हर किचन में कंटिन्यू जाती है, जहाँ पे हमारा सबसे पहला कंटिन्यू कटलेरी आ जाएगा, फिर उसके नीचे 2 प्लेन आ जाएंगे, कप ससर एंड थाली, ये सेटअप हर किसी में कंपलसरी जाता है। बट अगर आपके किचन में एक्स्ट्रा स्पेस है, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा बास्केट ऑर्गेनाइज कर देंगे, इफ़ अगर आपको स्टोरेज में बास्केट की नीड नहीं है, तो वहाँ पे जस्ट हम शटर देते हुए हाइड कर देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। जितना ज़्यादा आप एसेस लोगे, उतना ज़्यादा रेट हाई जाएगा, जितना ज़्यादा आप बास्केट कम लोगे, जस्ट 5 बास्केट एंड देन बाकी पूरे शटर्स ले लोगे,
उतना अमाउंट आपका कम हो जाता है। 2 साल पहले भी हमारा सेम सेटअप था, सारी बास्केट्स मोएबल है, इजीली निकाल के हम वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे। और अगर आप अपने बास्केट की और ज़्यादा लाइफ अच्छी चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑल बास्केट्स बहुत ही इजीली सॉफ्ट एंड स्मूथली क्लोज हो रही है, तो every 3 months में आपको पता है अपना स्टोरेज किस अकॉर्डिंग है, यूज़ किस अकॉर्डिंग है, तो अगर हर 3 months में आप अपना मशीन का ऑयल इसमें ईजिली डाल सको तो और ज़्यादा बेटर है, जिससे आपके किचन के बास्केट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमारा सेम फंडामेंटल कप ससर एंड थाली बास्केट वाला, यहाँ पे 3 मल्टीपर्पज़ उस अकॉर्डिंग पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसे स्टॉपेज हैंडल ऑर्गेनाइज हुई है, और थीम तो आप देख ही रहे कि इस अकॉर्डिंग हमने पूरी थीम प्लान की थी कि वाइट के हिसाब से हमने कैपेचिनो जो कॉम्बिनेशन दिया है उस अकॉर्डिंग पूरी थीम प्लान की गई है। तो फाइनली अगर मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे BWP बॉयल वाटर प्रूफ प्लाई यूज हुई है, बोथ साइड लैमिनेट है, आउटसाइड जैसे हमारा कैपेचिनो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन हमने इसमें दिया है, एसएस स्टॉपेज हैंडल है। अंदर के एसएस की बात करेंगे तो जिंदाल ब्रांड का 202 का यहाँ पर हमने एसएस यूज किया है, और आपको पता है जितना भी हार्डवेयर रहता है वो कस्टमाइज जाता है, जिस भी ब्रांड के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं उस अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। बट मेरा ख्याल ये है कि अगर आप नासिक सिटी में है तो आप 202 के साथ जा सकते हैं, इफ़ अगर बॉम्बे पुणे वगैरह साइड पर वहाँ पर अगर 304 की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली 304 की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर 304 सजेस्ट करते हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप नासिक में रहने के बावजूद भी 304 की रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर नासिक में आप हो तो हम आपको लाइफ टाइम वारंटी 304 की भी देते हैं और 202 की भी देते हैं, चॉइस आपका है। बट आपको रेट का भी पता होगा कि 202 का रेट कम है 304 के अकॉर्डिंग। जिसके साथ भी जाओगे बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ है। बाकी की चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। और राइट नाउ अभी हमारे यहाँ पर 3D में 50% ऑफ चालू है, उस बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिली होगी। फिर भी कोई मन में डाउट हो, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।